विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दो देशों की यात्रा के प्रथम चरण में मिस्र में अप्रवासी भारतीयों से मेक इन इंडिया कार्यक्रम और अन्य योजनाओं के अंतर्गत भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने अप्रवासी भारतीयों को भारत में व्यापार करने के लिए और सरल वातावरण देने का आश्वासन दिया। सुषमा स्वराज अपनी यात्रा के दौरान मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी और विदेश मंत्री समी हसन चौकरी से भी मुलाकात कर विचार विमर्श करेंगी। मिस्र की यात्रा के बाद विदेश मंत्री जर्मनी के लिए रवाना होंगी, जहां वे अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान जर्मनी की विदेश मंत्री और वहां के कुछ अन्य नेताओं से विचार विमर्श करेंगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि करों में छूट को विभिन्न चरणों में समाप्त करने के पहले सेट पर विमर्श पत्र को लोगों के लिए जल्द ही जारी किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कल कोलकाता में आईसीसी सम्मेलन में कहा कि उन्होंने अपने बजट भाषण में निगमित कर के स्तर को धीरे धीरे 30% से घटाकर 25% करने का वायदा किया था। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के क्षेत्र में निवेश के लिए पिछले दो महीनों में सरकार को करीब 90,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले हैं। विदेशी और देसी दोनों निवेशकों ने मोबाइल फोन के निर्माण में ज्यादा रुचि दिखाई है। भारत मोबाइल फोन निर्माण के क्षेत्र में विश्व का पसंदीदा स्थान बनता जा रहा है। पिछले 12 महीनों में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव रखे हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के दो दिन के दौरे पर रविवार को लेह पहुंचे और उन्होंने राज्य में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री ने राज्य के शीर्ष कमांडरों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और सुरक्षा स्थिति, सीमा पार से घुसपैठ और सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। रानी गाइदिन ल्यू देश की प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारियों में से एक थी। रानी गाइदिन ल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को भारत के मणिपुर राज्य में पश्चिमी जिले में हुआ था। देश की महान स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइदिन ल्यू पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय ऊर्जा एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार के पटना और सारण जिले के दियारा क्षेत्र के 36 गांवों के विद्युतीकरण किए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत राज्य के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि लोग अभी भी लालटेन युग में रहने पर मजबूर हैं और अब उन्हें इससे निजात मिलेगी। उनके साथ कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री राजीव प्रताप रूडी भी मौजूद थे। दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी जिले के दो गैंगों के बीच चली आ रही रंजिश में एक गैंग ने दूसरे गैंग के सरगना 31 वर्षीय राजू रमाकांत राव उर्फ राजू बाबा को ग्रेटर कैलाश में शनिवार देर रात गोलियों से भून दिया। बदमाशों ने 8 गोलियां उसके सिर में मारी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हालांकि कुछ ही घंटों में पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोच लिया। असम में कल वर्षा रुकने के बाद बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। राहत शिविरों में रह रहे लगभग 27,000 लोग अपने घरों को लौट गए हैं। बाढ़ प्रभावित निचले असम में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने बाढ़ प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है। इस बीच काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भी बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। बगदाद के पश्चिम में अनबार प्रांत में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में कम से कम 23 इराकी सैनिकों और सरकार से जुड़े लड़ाकों की मौत हो गई। फिलीपींस में गोनी तूफान में अब तक 9 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। गोनी तूफान ने शुक्रवार को फिलीपींस में दस्तक दी थी। तूफान की वजह से 12,800 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। मरने वाले पर्वतीय प्रांत बैंगुएट और इलोकोस नॉर्थे के निवासी हैं। इस तूफान को स्थानीय लोग इनिंग के रूप में जानते हैं। इसके मंगलवार तक फिलीपींस से चले जाने का अनुमान है। ब्रिटेन और ईरान ने एक दूसरे के यहाँ अपने अपने दूतावास कई सालों के बाद फिर से खोले हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री फिलिप हेमंड ने तेहरान में अपने देश का दूतावास 4 साल बाद फिर से खोला, जिससे संकेत मिलते हैं कि दोनों देशों के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है। करीब 4 साल पहले एक भीड़ ने ब्रिटिश दूतावास पर हमला कर दिया था, जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया था। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट के चौथे दिन शानदार खेल दिखाते हुए श्रीलंका पर दबाव बना लिया है। वहीं भारत से जीत के लिए मिले 413 रन के जवाब में श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 2 प्रमुख विकेट गंवा दिए। 2 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका ने 72 रन बना लिए हैं। श्रीलंका को जीत के लिए अभी भी 341 रन की जरूरत है, जबकि भारत को सीरीज में बराबरी हासिल करने के लिए श्रीलंका के 8 विकेट लेने हैं। आईसीसी नियमों के उल्लंघन के मामले में ईशांत शर्मा पर लगा मैच फीस का 65% जुर्माना। लाहिरी थिरमाने और दिनेश चांदीमल को उकसाने पर लगाया गया जुर्माना। इसके अलावा तीसरे टेस्ट से पहले भारत को दोहरा झटका लगा है। सलामी बल्लेबाज मुरली विजय और विकेटकीपर रिद्धिमान साहा चोट के कारण टीम से बाहर हो गए हैं। नमन ओझा और करुण नायर को इनके विकल्प के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। दुनिया के सबसे तेज धावक जमैका के उसैन बोल्ट ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपनी बादशाहत कायम रखते हुए 100 मीटर का खिताब जीत लिया है। बोल्ट ने रविवार को अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी अमेरिका के जस्टिन गैटलिन को पीछे छोड़ते हुए 9.79 सेकंड में रेस को पूरा करके पहला स्थान प्राप्त किया।
Now the national news.